शुरू करते हैं परचेज सेल्स और स्टॉक शीट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे परचेजेस। अच्छा, परचेजेस के लिए हमें जो एंट्रीज रिक्वायर्ड होंगी, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे पहली एंट्री ले लेते हैं सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं आइटम डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री हम उसके अंदर लेंगे, उसकी हमने जो कितने अमाउंट पे हमने उसको ख़रीदा, यानी कि यूनिट प्राइस लिख लें या प्राइस लिख लें जैसे आप चाहें, और फिर आगे आप उसका लिखेंगे क्वांटिटी, और फिर आप उसकी जो है लिखेंगे आगे इसके अमाउंट, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर ये हम चीज़ को इस तरह से एंटर कर देंगे। सिमिलरली सेम एंट्री हमें सेल्स के हवाले से चाहिए, तो सिर्फ हम इसमें एक चीज़ को कम करेंगे, इसको हम यहाँ से क्या करते हैं कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे लाके हम इसको क्लिक करके क्या करेंगे पेस्ट, और सिर्फ ये वाला जो कॉलम है इसको हम यहाँ से क्लिक करके डिलीट करके कल कॉलम कर देंगे, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यूनिट प्राइस और क्वांटिटी यहीं पर ही आपकी उसकी बताई जाएगी, ठीक है। अब उसके आगे जाएंगे, अगला हम जो बनाएंगे इसके अंदर स्टॉक, ठीक है। स्टॉक में हम क्या लिखेंगे, आइटम का डिस्क्रिप्शन तो वही चला आ रहा है जो लिखा आ रहा है, स्टॉक के अंदर हम बताएंगे, ठीक है, कि हमारे पास क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी का ये सामान जो है हमारे पास बच गया है, और फिर उसका अमाउंट कितना अमाउंट का उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब उसकी मालियत कितनी है, ये दो चीज़ें हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये इसकी अल्टीमेटली ये होगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हमें पता चलेगा जो स्टॉक के साथ होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होगी कि आखिर जो हमने सामान ख़रीदा और जो बेचा उस पर हमें क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, वो भी हमें यहाँ पे शीट के ज़रिए पता चलने वाला है। तो यानी कि डेटा को अगर एक ही पेज के ऊपर लेकर आना है, मतलब जितना सामान आपने ख़रीदा उसमें से जो बिक गया, और उसके बाद ये शीट आपको खुद ही रिजल्ट दे दे कि अब जो सामान बिका है वो इतनी मालियत का है, और उसके बाद जो है इसमें आपको इतना प्रॉफिट हुआ है और इसमें इतना लॉस हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस शीट पे करने में बड़ी आसानी रहेंगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें करने वाले ये है कि हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके इसको कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, और फिर इसके ऊपर ले लेते हैं इसको, और फिर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे करने वाले हैं मर्ज एंड सेंटर, और फिर इसको सिलेक्ट करके करने वाले हैं इसको भी मर्ज एंड सेंटर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट किया हमने, सेल स्टाइल्स में जाके हेडिंग वन पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे, टॉप बॉटम सेंटर करेंगे, इसके बाद जो EVM आइटम की डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट है उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, और इनमें तकरीबन एक जैसी ही वैल्यू आनी है। यहाँ से हम सीरियल नंबर के कॉलम को भी एक्स्ट्रा है इसको भी हम यहाँ से इसको क्या करेंगे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो इनको तकरीबन इनकी जो विड्थ वगैरह है वो हम एक जैसी ही सेट करेंगे, सपोज़ टू बी इसकी और इसकी विड्थ एक जैसी ही रखनी है, इसकी और इसकी विड्थ एक जैसी ही लिखनी है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि हमने यहाँ पर इसको इस तरह से सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करके हमने यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर पर क्लिक किया, और फिर इसको थिक बॉक्स बॉर्डर कर दिया। अब इसके बाद हमने इनकी जो विड्थ है, मिसाल के तौर पर यूनिट प्राइस यहाँ पर भी है और यूनिट प्राइस आपका यहाँ पर भी है, मतलब कितने का ख़रीदा कितनी तादाद में और टोटल अमाउंट कितना था, ये तीन चीज़ यहाँ पर भी हो रही हैं। तो इसमें अमाउंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पर भी अमाउंट और इस अमाउंट की वैल्यू जैसे रखनी है, तो सिलेक्ट किया यहाँ पर कंट्रोल का बटन होल्ड किया और यहाँ पर क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए, फॉर्मेट में गए, कॉलम विड्थ पर क्लिक किया, और यहाँ पर हमने इसकी 12 की विड्थ को सेट किया, और उसके बाद मैंने इसको बढ़ा के 14 पर सेट कर दिया, तो इनकी विड्थ एक जैसी हो गई। क्वांटिटी में भी अगर विड्थ एक जैसी करनी है तो कंट्रोल का बटन होल्ड किया और इस पर क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गए, फॉर्मेट कॉलम विड्थ पे क्लिक किया, 10 की विड्थ इनकी हमने एडजस्ट कर दी। तो अब यूनिट प्राइस जो है वो भी उसके सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ इसको, फिर यहाँ से हम गए फॉर्मेट में और कॉलम विड्थ पे क्लिक किया, 12 की विड्थ हमने यहाँ पर इसकी सेट कर दी। तो ये दो कॉलम एक जैसे हो गए, ये दो कॉलम एक जैसे हो गए, और ये दो कॉलम एक जैसे हो गए, इस तरह से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अमाउंट नज़र आने वाला है उसकी विड्थ को हमने सेट किया कॉलम विड्थ पे जाके तकरीबन 18 पे सेट कर दिया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस को भी इन दोनों को एक जैसा रखना है, तो दोनों को सिलेक्ट करके 18 पर हमने सेट कर दिया, तो ये दोनों इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो ये तो हमने सेट कर लिया इसके मामलात को, लेकिन मुझे लग रहा है यूनिट प्राइस को हमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस थोड़ा सा बढ़ भी सकता है। तो यहाँ से हमने बढ़ा के 12 तो था, इसको 14 कर दिया, तो ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया, तो ये इस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं। तो सारे कॉलम्स को हमने अरेंज कर लिया है सही तरीके से। अब इस पर क्लिक करके हम यहाँ से इसको टाइटल पे सेट कर देते हैं, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया तो है लेकिन लिखा नहीं परचेज सेल्स नहीं लिखा है, सेल्स पे कर देते हैं, और इसको भी क्लिक करके यहाँ से हम इसको टाइटल पे कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन क्लिक करके इसको भी टाइटल पे भी कन्वर्ट कर देते हैं, सेलेक्ट करके इसको हम बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज़ को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट साइज़ ले लेते हैं। तो ये देखें इस तरह से आपको नज़र आ रही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इनके थोड़े से
हाइट को एक्सटेंड कर देना है, ये ताकि आपको डेटा थोड़ा इस तरह से नज़र आए। अब इसमें हमने नीचे कितने हिस्से पर काम करना है, कितना एरिया कंज्यूम करना है, तो उसको हम ये से करते हैं कि पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लेके, यहाँ से लेके एक सीरियल नंबर बना लेते हैं 1 1। लिखने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से फिल में जाते हैं और फिर सीरीज़ पे क्लिक करते हैं, एंड देन फिर क्लिक करेंगे कॉलम के ऊपर, एंड देन फिर हम इसकी स्टॉप वैल्यूज बता देते हैं 20। तो 20 आइटम्स का डेटा हम इसके ऊपर लेने वाले हैं। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ से लेके सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसका पहले तो जो है फॉर्मेट में जाके रो हाइट को एक्सटेंड करेंगे। 15 आ रही है ऑलरेडी, मैं इसको बढ़ा के कर रहा हूँ 20, तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के 14 पे सेट कर दिया, एंड देन लेफ्ट राइट एंड टॉप बॉटम सेंटर कर दिया, और फिर फाइनली इसको मैंने ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया। फर्दर मोर इसके अंदर अगर और सेपरेशन शो करनी है चीज़ों के अंदर, तो फिर हमने क्या किया, इनको सारे को सेलेक्ट किया एक दफ़ा फिर से, और फिर ये थिक बॉक्स बॉर्डर यहाँ पे भी अप्लाई किया, और फिर इसको सेलेक्ट किया, और फिर थिक बॉक्स बॉर्डर हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया, और स्टॉक वाली, अच्छा ये क्वांटिटी उसमें गलती से आ गया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर इसको भी अप्लाई किया हमने, और इसके चार जो थे वो इसमें लेके तीनों को सेलेक्ट करके थिक बॉक्स बॉर्डर इस पर अप्लाई किया। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये मामला बन गया, जिसमें थोड़ा सेपरेट सेपरेट नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर हमने जो भी एंट्री करनी है उसके लिए थोड़ा सा पहले इसको यूनिक कर लेते हैं, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा हमें अलग करना है, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने परचेजेस है तो इसको लाइट ग्रीन कर दिया, और इसका जो सेलेक्ट किया तो इसको हमने सेल्स है तो इसको यहाँ से क्लिक करके लाइट ब्लू कर दिया, और जो स्टॉक है उसको हमने लाइट पे क्लिक करके लाइट येलो कलर्स पे दे दिया। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग आ गई। अब इसके अंदर एक तरीका ये भी रख सकते हैं आप इसके अंदर जो चेंजेस का है वो थोड़ा सा और इसको एडवांस फॉर्म में अगर आप बना रहे हैं, तो जैसे कि इसका कलर है तो लाइट ग्रीन है, तो आप इसके साथ यहाँ पे एक डार्क ग्रीन का एक शेड यूज़ कर रहे हैं, और फिर इसी को रिपीट कर रहे हैं आप नीचे। तो देखिए यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिया मैंने, इस पर फेर दिया, फिर फॉर्मेट पेंटर लिया और फिर मैंने इसको इस पर अप्लाई कर दिया, और फिर फॉर्मेट पेंटर लिया मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। इस तरह से आप इसको जितने उस पर अप्लाई करेंगे करते चलेंगे, लाइक फिर इस पर ब्लू वाले पे भी आपने इसी तरह से करना है। लाइट ब्लू कलर है, थोड़ा डार्क ब्लू ले लिया आपने, इसके साथ इस पर क्लिक किया एक एक एंट्री को आगे पीछे करके, ताकि आपको डेटा की विजुअलाइजेशन सही तरह नज़र आए। सिमिलरली इसके ऊपर भी आपने यहीं पर ये ट्रिक अप्लाई की, और इस तरीके से नीचे तक आपने यही ट्रिक इस तरह से अप्लाई करते चले जानी है, ताकि डेटा का फ्लो आपको यहाँ पर सही तरह नज़र आए। अब यहाँ पर जो डेटा इंटर किया जाएगा जिस फॉन्ट के लिए वो हम यूज़ करने वाले हैं एरियल, तो यहाँ पे एरियल फॉन्ट को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा डेटा विजुअलाइजेशन सही तरह हो जाए, और इस तरह आ गया। अब इसी का डार्क कलर हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसी का डार्क ब्लू कलर हमने यहाँ से यहाँ पे यूज़ कर लिया, और इसी का डार्क येलो कलर जो है हमने इसका यहाँ से ये वाला यहाँ पे यूज़ कर लिया, और यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट्स का जो कलर है वो हमने वाइट कर दिया, ताकि थोड़ा सा सही नज़र आ जाए, बाकी ये तो ब्लैक ही सही है इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें हमने इसकी डेटा की विजुलाइजेशन को सेट कर लिया। अब हम चलते हैं पेज लेआउट के ऊपर। यहाँ जाने के बाद हमने देखा कि हमारी शीट का तो दो तीन हिस्सों में नज़र आ रही है, तीन कॉलम में। यहाँ से पेज लेआउट में गए, पेपर को सेट किया हमने किसके ऊपर, A4 के ऊपर। मार्जिन को सेट किया हमने कस्टम मार्जिन पर जाके, लेफ्ट मार्जिन को 0.25 पे सेट किया, फिर इसको भी 0.25 पे। टॉप मार्जिन को हमने 1 पे सेट किया और बॉटम मार्जिन को हमने 0.5 पे सेट किया। शीट के सेंटर पे देखने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर पे क्लिक किया, ताकि शीट की प्रिंटिंग जो है वो दोनों साइड से सेंटर आए, मतलब शीट में जब एक्सटेंशन आए तो वो सेंटर से दोनों साइड पे भरे और बढ़े, और यहाँ से लेफ्ट से टॉप से और बॉटम की साइड पे खुद ही एक्सटेंड हो जाए। जैसे क्लिक करेंगे ये एक्सटेंड होने के बाद भी ये सिचुएशन हमारे सामने है। इसको हमने लैंडस्केप कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास दो कॉलम एक्स्ट्रा जो आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। इसके बाद हमने इसको थोड़ा जूम लेवल को कम करना शुरू किया और इसको क्लिक करके थोड़ा सा और कम किया, और जैसे मैंने इसको कम किया तो 90 पे आ गया, एंड देन फिर कम किया, ओके किया, तो ये अब इसके साथ पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। हमारे पास अभी भी और गुंजाइश है, 20 के अलावा भी हम और भी ऐड कर सकते हैं आइटम्स अगर हम उस पर काम करना चाहें। लेकिन अगर हम फाइल में जाके इसका प्रिंटिंग मोड देखेंगे तो ये टॉप एंड बॉटम से सेंटर में प्रिंट होगी। उसकी वजूहत क्यों है, उसकी वजह यही है कि आपने अभी जाके यहाँ से जो इसके ऊपर ये सेटिंग्स जो अप्लाई की थी मार्जिन्स पर, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेंटर और वर्टिकल सेंटर प्रिंटिंग मोड में रहेगा। ठीक है, अब आपने इसके अंदर जो डेटा है इसमें और इनमें जहाँ हमें डेटा इंटर करना है वहाँ पे यही हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस तरह का है और उसमें किस तरह के मामलों को आप आइटम्स सेल करते हैं, परचेस करते हैं। हार्डवेयर की शॉप है तो उन आइटम्स के नाम लिखेंगे, अगर मोटर बाइक्स की जो पार्ट्स होते हैं उसकी दुकान है तो उसके शॉप्स के नाम आइटम्स के नाम लिखेंगे। कंप्यूटर की शॉप है तो कंप्यूटर के आइटम्स लिखेंगे, मोबाइल है तो मोबाइल के आइटम्स लिखेंगे, या अगर आपका कुछ उसका अजनास का कारोबार है तो उनको लिख सकते हैं आप यहाँ पे। मैं यहाँ पे फिलहाल कंप्यूटर से रिलेटेड ही उसके पार्ट्स के नाम लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया CPU, और यहाँ पे मैंने ले लिया LCD, यहाँ मैंने लिख लिया कीबोर्ड, यहाँ मैंने ले लिया माउस। अगर ये कुछ और आइटम होते जैसे वीट, और जैसे हमने यहाँ पे ले लिया राइस, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया और भी इस तरह के आइटम्स हैं जो हम
बाय एंड सेल करते हैं तो उनकी एक जर्नल आइटम की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब उसके बाद यूनिट प्राइस आपने यहाँ पे कैलकुलेट करानी है तो वो आपको खुद लिखनी पड़ेगी, क्वांटिटी वगैरह। जैसे आपने कहा कि भाई सीपीयू की यूनिट प्राइस क्या थी, सपोज 6000 थी तो उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 12 थी। सपोज टू बी एलसीडी की कॉस्ट क्या थी, 5000 थी, क्वांटिटी कितनी थी, 20 थी। कीबोर्ड की कॉस्ट क्या थी, 600 थी, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 25 थी। ये आप इस तरह से एंट्री करते चले जाएंगे तमाम आइटम्स की जब आप इसके ऊपर अपना काम करेंगे। उसके बाद अब जब वो प्राइस में आपने ख़रीदे तो यूनिट प्राइस, फिर आपने उसको बेचा किस रेट में, तो यहाँ पे दो तरह की प्राइस हो सकती है जिसमें आप उसको सेल करेंगे। एक प्रॉफिट रख के 6000 का ख़रीदा था, 8000 का मैंने सेल कर दिया और उसमें से मैंने या तो सारे ही पीस सेल कर दिए या फिर कुछ पीस बेचे, जैसे मैंने यहाँ पर 8 पीस सेल कर दिए, ठीक है, 8 पीस मैंने सेल कर दिया। LCD 5000 की थी, 5300 में सेल कर दी और उसके मैंने जो है इसमें से 10 पीस सेल कर दिए। अब कीबोर्ड मेरा 600 का था, उसको मैंने बेचा 700 रुपीज़ का और उस पर मैंने जो है 12 पीस सेल कर दिए। माउस हमने ख़रीदा सपोज 350 का और यहाँ पे माउस जो था वो हमने ख़रीदे थे तकरीबन 48 पीस और इसमें से हमने जो पीस सेल किया, माइंड भी कि अगर माउस का प्राइस गिर गया था, हमने 350 का ख़रीदा था तो हमने 300 में उसको सेल किया और उसमें से हमने 20 पीस को सेल कर दिया। तो या तो आप प्रॉफिट पे सेल करेंगे या फिर आप उसको लॉस पे सेल करेंगे। बस ये डेटा आप दो जगह पे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम में खुद डालेंगे और ये शीट खुद ही आपको फॉर्मूला लगाने के बाद कैलकुलेट होके बता देगी कि आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है और उसमें कितना आपने इस चीज़ों को गेन किया है या लॉस किया है, ठीक है। तो ये आपके बिज़नेस को एक ऑर्गेनाइज करने के लिए, उस डेटा को अरेंज करने के लिए बेहतरीन तरीके का एक शीट है जिसमें 3 रजिस्टर से बया वक्त आप काम कर सकते हैं और उसका आउटपुट आप ले सकते हैं।